पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौका पर चेयरमैन कौमी अखिलेती कमीशन पाकिस्तान चेलाराम केवलानी के वफ्द में रुकन कौमी अखिलेती कमीशन पाकिस्तान डॉक्टर जयपाल झाबड़िया, जतन केवलानी, इलामा एहसान सदीकी, महाराज गोस्वामी गिर, तृष्णा पटेल, अशोक कुमार, कृष्ण शर्मा और दीगर मजहबी और समाजी रहनमा शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेलाराम केवलानी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए उतना ही खास है जितना दिवाली और होली। आज के दिन अखिलेती अपनी अपनी इबादतगाहों में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करती हैं। पाकिस्तान जितना अक्सरियत का है उतना ही अक्लियतों का भी है और बानी पाकिस्तान का भी यही रहनमा असूल था जो उन्होंने पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली में तकरीर के दौरान वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग बराबर के शहरी हैं, इन सबको बराबर के हकूक हासिल होंगे। बानी पाकिस्तान ने न सिर्फ तमाम शहरियों के हकूक की बात की बल्कि ये भी फरमाया था कि अकलियतों की जान माल और इबादतगाहों की हिफाजत भी हमारा अवलीन फर्ज है। चेलाराम केवलानी ने मजीद कहा कि आज के दिन हमें इन अकलीती हीरोज को भी याद रखना चाहिए जिनका क्याम पाकिस्तान के वक्त अहम किरदार था। जोगिंद्र नाथ मंडल, SP सिंगा और बहुत से अहम शख्सियतें जो कि ना सिर्फ बड़े ओहदों पर फाइज रहे बल्कि पाकिस्तान को आज़ाद कराने में भी बानी पाकिस्तान के शाना बशाना रहे। मुझे ये बताने में फख्र महसूस हो रहा है कि अकलीतों ने ना सिर्फ क्याम पाकिस्तान के वक्त पर क्याम पाकिस्तान के बाद भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आज भी अगर बात की जाए पाकिस्तान में तालीम की तो अकलीतों की खिदमत किसी से छुपी हुई नहीं और अगर बात की जाए सेहत और मुआशरत की तो अकलीतें इसमें भी अहम किरदार है। आज मैं पूरी कौम को एक ही पैगाम दूंगा कि हम सब ने मजहब और सियासत से बालातर होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए जदोजहद करनी है क्योंकि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान तरक्की करेगा बल्कि पाकिस्तान दुनिया भर के लिए मजहबी हम आहंगी की मिसाल भी कायम करेगा और मजहबी हम आहंगी ही पाकिस्तान में तरक्की की वजह बन सकती है।